इसीलिए इस अध्ययन का नाम उनका जो विख्यात नाम है अर्थात मृगापुत्र उसके नाम पर यह अध्ययन का नाम रखा गया है। अब ये जो मृगापुत्र नाम के व्यक्ति है ये अत्यंत धनाढ्य परिवार, राजा है रानी है तो उनका परिवार धनाढ्य ही होगा, महल है राजमहल है और उन महलों के अंदर सभी प्रकार की सुख सुविधा भोग उपभोग की सामग्रियां मौजूद है और वो भी प्रचुर मात्रा में, किसी बात की कमी नहीं है। इनकी शादी भी हो चुकी है और किसी समय ये अपने झरोखे में बैठकर, महल का जो झरोखा होता है जिसे हम बालकनी वगैरह कह सकते हैं, उस झरोखे में बैठे हुए थे और नगर की शोभा निहार रहे थे। इस गाथा में एक आता है कि उनके जो आंगन है वो मणि रत्नों से भरे हुए हैं। मतलब आप सोचना, हमको सोचना है कि उनके पास कितना प्रचुर मात्रा में धन वैभव था। ऐसा वो मृगापुत्र, वो व्यक्ति झरोखे में बैठकर नगर निहार रहे हैं और उन्होंने देखा कि राजमार्ग से एक मुनिराज, मतलब जैन वेश को धारण करने वाले मुनिराज विहार कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं और उनको जैसे ही उन्होंने देखा तो एक नजर से, मतलब टकटकी लगाकर वे मृगापुत्र उन मुनिराज को देख रहे थे और विचार कर रहे थे कि इस तरह का वेश, जो सफेद श्वेत वस्त्र है, हाथ में पात्रे है, ओगा है, मुंह के ऊपर मुंह पत्ती है, तो इस तरह का ये वेश मैंने कहीं ना कहीं देखा हुआ है, इस तरह का वेश मुझे परिचित है। इस तरह का गहरा चिंतन करते करते उनको जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ। पिछले अध्ययनों में भी हमने देखा है कि जाति स्मरण ज्ञान अर्थात मति ज्ञान का एक भेद है। इस जाति स्मरण ज्ञान से जीव अपने पूर्व के, पास्ट के अनेकों भव देख सकता है। टेक्निकली बात करें तो 900 सागरोपम तक के भव, सन्नी भव वो देख सकता है, मतलब मन वाले भव। बीच में अगर कोई बिना मन वाला भव कर ले दे तो उसके आगे के भव, उसके पीछे के भव वो देख नहीं पाएगा। मतलब मन वाले भव देखेगा, पास्ट के भव देखेगा, खुद के भव देखेगा और कितना देखेगा, पृथक सॉरी 900 सागरोपम तक जितने भी भव होंगे उतने भव वो देख सकता है। अब इनको जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो चुका है। जाति स्मरण ज्ञान से इनको स्मरण में आ गया, मतलब याद आ गया। क्या क्या याद आया? जिस तरह से हमको हमारे जीवन में पूर्व की बातें याद आती है, दिखता तो नहीं है लेकिन याद आती है, इसी तरह से जाति स्मरण से उनको याद आया कि किस तरह से के पिछले भव में मैं देवगति से चौकर आया हूं। तो उन्होंने देवगति की रिद्धि भी देख ली। वर्तमान में वो मनुष्य भव में जो रिद्धि उनको प्राप्त है वो भी उनको दिख रही है आंखों से। पिछले भव में जब वो देवगति में थे तो देवगति की रिद्धि भी अब उसको, उनको टोटली याद आ चुकी है कि पिछले भव में देवगति में मेरे पास क्या क्या था। और देवगति को प्राप्त कैसे हुआ, तो उसके पिछला भव भी उनको देखा दिखा और उन्होंने देखा कि उसके पिछले भव में, मतलब देवगति के पहले भव में मैंने 5 महाव्रतों का पालन किया था। मूल पाठ में आता है 5 महाव्रत। 5 महाव्रत मतलब एक तो ऋषभदेव भगवान के शासन में या फिर महावीर भगवान के शासन में, मतलब भरत और ऐरावत क्षेत्र के पहले और 24वें तीर्थंकर भगवंतों के शासन में 5 महाव्रत रूप धर्म चलता है प्रतिगमन सहित। अन्य तीर्थंकरों के शासन में 4 महाव्रत रूप धर्म चलता है। हालांकि पालन तो सभी व्रतों का होता है लेकिन कुछ कारण है, रुजु जड़ प्राज्ञता आदि, उनके कारण से 4 और 5 की संख्या बताई है। पालन तो सभी व्रतों का मुनिराज करते ही है। तो ये जो मृगापुत्र है ये ऋषभदेव भगवान के शासन के माने जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि मैंने 5 महाव्रतों का पालन किया था, देवगति को प्राप्त किया और मनुष्य, अभी यहाँ पर मनुष्य रूप में जन्मा हूं। अब इतना ही नहीं, उन्होंने वो पिछला जो मनुष्य भव था मुनिराज का, उसके पहले भी बहुत सारे भव देख लिए जिसमें उनको अनेक तिर्यंचों के भव और अनेक नरक गति के भव उनको याद आ गए। तो जो जो ये भव याद आए उनमें उन्होंने जो भी सुख दुख, नरक में तो प्राय करके दुख है, तिर्यंच में ज्यादा दुख और सुख किसी कभी तिर्यंच को कभी कभार मिल जावे तो बात अलग है,
बाकी तो लगभग दुख होता है। तो इन्होंने मृगापुत्र जी ने पिछले भवों में अनेक भवों में जो जो यातनाएं सहन की थी, दुख सहन किया था, वो उनको पूरी तरह से स्मरण में आ गया। अब मुख्य ये है कि उन्होंने विचार ये किया या उन्होंने जाति स्मरण से जाना कि किस कारण से मैंने देवगति को प्राप्त किया है और किन कारणों से मैंने तिर्यंचो और नरक के ये दुखमय भव को प्राप्त किया है। तो उनको पता चला कि पांच इंद्रियों के सेवन से ये इन काम भोगों में ग्रुद्ध रहकर, आसक्त रहकर, ममता भाव सहित रहकर मैंने दुर्गतियों को प्राप्त किया है। और जब मैंने इन इंद्रियों के विषयों को त्यागा, छोड़ा और संयम का पालन किया तो फलस्वरूप मुझे देवगति की प्राप्ति हुई। देखा जाए तो संयम का फल मोक्ष है पहले तो, और अगर किसी के कर्म शेष रह जावे तो सदगति अर्थात वैमानिक देवगति प्राप्त होती है। तो इनके कर्म शेष थे तो इन्होंने देखा कि संयम के फल स्वरूप मुझे देवगति की प्राप्ति हुई। अब उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया क्योंकि जाति स्मरण हो गया, पिछले के बहुत सारे भव दिख गए और उनसे उनको क्या करने से क्या प्राप्त होता है ये सब स्मरण में आ गया, तो इसलिए उनको वैराग्य उत्पन्न हो गए। अब वर्तमान में उनके बहुत सारी भोगों की सामग्रियां है, राजकुमार है, अनेक पत्नियां हैं, भोग की सामग्रियां उपलब्ध है, पिता भी अनुकूल है, माता भी अनुकूल है, लेकिन उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो मूल गाथा में आता है कि संयम में विषय भोगों में आसक्त नहीं रखता हुआ और संयम में अनुराग रखता हुआ, दो बातें, संवेग और निर्वेग जिसको हम बोलते हैं, सम संवेग निर्वेग आदि, तो संवेग और निर्वेग, काम भोगों में आसक्त नहीं रखता हुआ। अब उनकी अभी तक जो भी आसक्ति थी इन काम भोगों में वो दूर हो चुकी है, वो मंद हो चुकी है, फलस्वरूप संयम में अनुराग उत्पन्न हो चुका है। अब संयम क्या है वो जानते हैं कि सब कुछ छोड़ना है, श्वेत वस्त्र धारण करना है, जिस तरह से उन्होंने उस मुनिराज को देखा था, पिछला भव भी स्वयं का मुनिराज का देखा था, वो जानते हैं कि सब कुछ छोड़कर जाना है, लेकिन ये भी जानते हैं कि सुख वहां पर है, इसलिए उनको वर्तमान में जो ये काम भोग उपलब्ध हुए हैं उनसे अनासक्ति उत्पन्न हो चुकी है और संयम में अनुराग उत्पन्न हो चुका है। फलस्वरूप वह विचार करते हैं कि उनको संयम ग्रहण करना है और संयम ग्रहण करने की आज्ञा मांगने के लिए, पूछने के लिए वो अपने माता पिता के पास उपस्थित होते हैं। माता पिता, उन्होंने माता पिता को कहा कि हे माता पिता, मैंने पूर्व जन्म में पांच महाव्रतों का पालन किया था, उन्हें मैंने जान लिया है और क्या जाना मैंने, तथा नरक गति में और तिर्यंच गति में जो विविध प्रकार के दुख है उसको भी मैंने जान लिया है, मतलब स्मरण में मुझे याद आ चुका है, इसलिए मैं संसार रूपी महासमुद्र से निवृत्त होकर होना चाहता हूं, इसलिए मुझे संयम की आज्ञा दीजिए। मतलब जाति स्मरण से उनको जो भी याद आया उन्होंने वो सब माता पिता के समक्ष रखा और उनसे दीक्षा की आज्ञा मांगी। इतना ही नहीं, अब वो आगे कह रहे हैं, शायद माता पिता कहेंगे कि अभी तो तू नरक में नहीं है, अभी तो तू तिर्यंच में नहीं है, अभी तो तू मनुष्य गति को प्राप्त हुआ है, उत्तम भोग सामग्रियां भी तुझे उपलब्ध है, तो मनुष्य भव संबंधी अब दुखों का वर्णन करेंगे कि नरक और तिर्यंच में तो दुख है ही, लेकिन मनुष्य में भी किस तरह का दुख है पहले वो ये वर्णन करेंगे। तो पहली बात वो बोलते हैं कि अम्मताय मये भोगा भुत्ता विसफलो वमा पच्छा कडुय विवागा अनुबंध दुहावहा। मतलब हे माता पिता, ये जो भोग है, मैंने काम भोगों को भोग कर इनका परिणाम जान लिया है, क्योंकि पिछला भव उन्होंने याद आ चुका है, अब इनके परिणाम कैसे है, काम भोगों को भोगने के परिणाम कैसे है, पच्छा कडुय विवागा, मतलब वर्तमान में भले ही वो मीठे लगते होंगे लेकिन पच्छा मतलब बाद में उसके जो फल है वो कटु होते हैं, वो दुसह्य होते हैं। मतलब वर्तमान में भोगों को भोगने पर जो मैं पाप कर्म का बंध करूंगा, अनुबंध दुहावहा, सिर्फ बंध ही नहीं अनुबंध करूंगा, क्योंकि बार बार मैं उन काम भोगों में लिप्त रहूंगा तो भले इस भव में वे कर्म उदय में नहीं आएंगे, क्योंकि पुण्यवाणी का उदय जब तक तेज रहता है तब तक किए हुए पाप कदाचित उदय में नहीं भी आवे, लेकिन वो सत्ता में रहते हैं
अब जब पुण्यवाणी का स्टोर का बैलेंस कम होगा तब ये पाप उदय में आएंगे, या यू कहो कि पाप अगर तीव्र उदय में आ जावे तो पुण्यवाणी भी ऑटोमेटिक कम हो जाती है, अनेकों भंग बन सकते हैं। तो वर्तमान में भले ही वे उदय में नहीं आवे, लेकिन मुझे फिर अगले भवों में, इसका मतलब उनका जन्म और मरण के ऊपर विश्वास था कि ये भव छोड़कर जाना है, अगले गति में जन्म लेना है, तो उनको वो चिंता थी कि मैं अगले भव में कहाँ जाऊंगा। सिर्फ वर्तमान की नहीं सोच रहे थे, लंबे भविष्य की वो सोच रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा कि ये काम भोगों के जो परिणाम है वो दुष्कर है, कटु है, तो मुझे इन काम भोगों में फंसना नहीं है। आगे की गाथा में बोलते हैं कि इमं शरीरम अनित्यम, ये शरीर कैसा है, अनित्य है, मतलब ये बदलता रहता है। कभी पहले तो जन्मा तो छोटा, फिर वो जवान होता है, फिर बुढ़ापा आता है, और फिर अंतिम में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। या देवगति और युगली की भी बात कहे तो वो हमेशा के लिए वहां पर नहीं रहते हैं, कभी ना कभी मृत्यु तो आती है। इस अपेक्षा से वे जो शरीर है वो अनित्य है। अस्विम असुई संभवम, मतलब अशुचि स्थानों से पैदा होता है और स्वयं भी अशुचि है। इसका मतलब मेरी आत्मा जब पिछले भव से इस भव में आई तो सिर्फ आत्मा आई, औदारिक शरीर तो आता नहीं, वैक्रे शरीर साथ में लाता नहीं, आहारक शरीर साथ में लाता नहीं, आत्मा और तेजस कार्मन आती है। माता के गर्भ में वह आत्मा आने के बाद पिता का वीर्य और माता का रज, इनका जो मिश्रण है उसका आहार करती है। मतलब अशुचि है, माता का रज और पिता का वीर्य ये अशुचि है, तो उसका वो आहार करती है, कौन, आत्मा। तो अशुचि का आहार करने पर जो शरीर बनाता है, तो गर्भ में 9 महीना रहेगा लगभग, फिर जन्म होता है, फिर वो लगभग जितना उसका आयुष्य है उतना जिएगा। तो ये जो अशुचि का आहार करने पर जो प्रोडक्शन किया, जो पैदा किया ये शरीर कैसा है, क्या वो अच्छा है, साफ सुथरा है, सुगंधित है, नहीं, वो भी अशुचि है। अनेकों द्वारों से इस शरीर से अशुचि निकलती है, दुर्गंध निकलती है, कितना भी आप इसको नहलाओ दुर्गंध आती है, द्वारों से अशुचि बाहर निकलती है। मतलब अशुचि को खाकर अशुचि रूप शरीर मैंने तैयार किया हुआ है, मतलब इसमें कहीं पर भी शौच, मतलब शुचि या साफ सुथरापना मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हमको भी विचार करना है, हम स्नान करते हैं या ब्रश आदि करते होंगे, या छोटी स्नान मतलब मुंह पैर हाथ पैर आदि धोते होंगे, लेकिन हमारा खुद का अनुभव है कि कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद वो शरीर वापिस उसी तरह हो जाता है जैसे स्नान आदि करने के पहले था, दुर्गंध आने लगती है, मेल चिपक जाता है आदि आदि। तो हमको वैराग्य उत्पन्न करना चाहिए कि ये शरीर जो है वो अशुचि से ही बना हुआ है और शरीर स्वयं अशुचि है। आगे तीसरी बात, पहले तो बताया अनित्य है, दूसरी बात बताई कि अशुचि से पैदा हुआ है और स्वयं भी अशुचि है, और तीसरी बात बता रहे हैं कि यह अशाश्वत है, मतलब हमेशा इस जीव के साथ रहने वाला नहीं है। मतलब आत्मा जब इस शरीर को छोड़ देती है तो शरीर पीछे रह जाता है, आत्मा तो निकल गई, शरीर पीछे रह गया, मतलब अशाश्वत है। शरीर आत्मा के साथ परभव में जाता नहीं है, जो औदारिक वैक्री और आहारक शरीर की बात है, वो पीछे रह जाता है और पीछे चलाया जाता है आदि। तो इस तरह वो अशाश्वत है, हमेशा हमारे साथ में रहने वाला नहीं है। तो आगे बताया चौथी बात, दुख कैसा न भायणम, भायणम मतलब भाजन, ठीक है, किसका भाजन है, ये दुख और क्लेश का भाजन है। मतलब हमको चिंतन करना है कि शरीर है इसीलिए दुख आ रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास जो मिथ्या पराक्रम जिसे भगवान ने कहा है, वो प्रयास ये रहता है कि शरीर रहते हुए हम सुखी बनना चाहते हैं, लेकिन शास्त्रकार और ये जो मुर्गा पुत्र अभी तक दीक्षा भी नहीं ली है इस भव में, मात्र जाति स्मरण हुआ है, उनके ये बोल है, अभी घर में ही है, महल में ही है, और बोल रहे हैं कि ये शरीर कैसा है, दुख और क्लेश का भाजन है। तो हमको भी दृढ़ विश्वास रखना है कि शरीर मेरा भले ही कितना ही सुंदर क्यों ना हो, जवान क्यों ना हो,
बलवान क्यों ना हो आदि आदि, फिर भी यह शरीर है इसीलिए मुझे दुख आ रहे हैं। जिस दिन ये पांचों प्रकार के शरीर से मैं मुक्त हो जाऊंगा, मेरी आत्मा पांचों शरीर को अलग कर देगी, उस दिन मेरा अव्याबाध सुख का दिन रहेगा और वहां से अव्याबाध सुख शुरू होगा और अनित्य या मिच्छांदुकणम, अनित्य नहीं अपर्यवसित, मतलब अनंत काल के लिए वो सुख मेरे पास रहेगा, क्योंकि वो सुख मेरा रहेगा, आत्मा से प्राप्त हुआ रहेगा। ये शरीर तो मेरा है नहीं, इसलिए हमको ये दृढ़ श्रद्धा रखना है कि शरीर मेरा नहीं है, भेद विज्ञान। और जब ये भेद विज्ञान दृढ़ होते जाता है तो धीरे धीरे हमारी संलेखना और संतारी की भी तैयारी मजबूत होने लगती है। तो दुख, ये जो शरीर है वो दुख का भाजन है और क्लेश का भाजन है। फिर आगे बताते हैं कि जीवन है, मनुष्य भव मिला है, लेकिन वो भी कितना मिला है, जल के बुलबुले के समान। ठीक है, जल का जैसा बुलबुला रहता है, कितने समय के लिए रहता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद वो नष्ट हो जाता है। और ये मुर्गा पुत्र है ऋषभदेव भगवान के शासन के, तो बड़ी उम्र है, आज तो हमारी लगभग 100 साल की उम्र है प्लस माइनस। पहले तीर्थंकर के शासन की उत्कृष्ट उम्र 1 करोड़ पूर्व की, तो इनकी इतनी लंबी उम्र होने के बावजूद भी वे कह रहे हैं कि ये मनुष्य भव या मनुष्य जीवन कितना है, थोड़ा सा है, छोटा सा है, किसके समान, पानी के बुलबुले के समान। मतलब देखते देखते ही ये मनुष्य भव भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, इसलिए इसकी भी शाश्वतता नहीं है। हो सकता है आज पूरा हो जावे, हो सकता है कल पूरा हो जावे। तो एक बात और दूसरी बात बता रहे हैं कि इसको आज छोड़ना पड़ सकता है या कल छोड़ना पड़ सकता है, मतलब भोगों को भोगे बिना भी छोड़ना पड़ सकता है, और अगर उम्र है आपकी लंबी है तो भोगों को भोगने के बाद छोड़ना पड़ेगा, लेकिन छोड़ना पड़ेगा यह बात पक्की है, नियत है। जैसे अंतगढ़ सूत्र में अतिमुक्त कुमार कहते हैं कि जो मैं जानता हूं वो नहीं जानता हूं, जो नहीं जानता वो जानता हूं, बस उसी प्रकार का है कि भाई आज नहीं तो कल भोगों को भोग कर या भोगे बिना इस भव को छोड़कर अगले भव में जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि आज नहीं तो कल भोगों को अगर छोड़ना है तो स्वे इच्छा पूर्वक, समझ पूर्वक, समझ अर्थात सम्यक्त्व। तो भगवान ने जो भी मार्ग बताए हैं, 29वां अध्ययन सम्यक पराक्रम बताया है, उनको ध्यान में, उस अध्ययन को ध्यान में रखकर अपने को काम भोगों से विरक्त होना है। मूल पाठ में वो बोल रहे हैं रईम नोवल भामहम, अर्थात मुझे इन काम भोगों में प्रसन्नता नहीं लग रही है, प्रसन्नता मुझे प्राप्त नहीं हो रही है। हमारा जीवन, उनका जीवन हम अगर कंपेयर करें, उनको तो, उन्होंने तो अभी एक भी देशना नहीं सुनी है, सिर्फ मुनिराज को देखा है। मुनिराज भी संयम का पालन करने वाले, वे संयत है, तप और नियम का पालन करने वाले, चेहरे पर वो समभाव, वो प्रसन्नता दिख रही है, जिसके कारण से इनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ। और हमारा जीवन देखे तो हमने अनेकों प्रवचन देशनाएं अभी सुनी है, लेकिन फिर भी वो अभी क्या विचार कर रहे हैं कि मुझे अब इन काम भोगों में प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो रही है। और कहीं ऐसा ना हो कि हमको मतलब हमने इतना सुना हुआ है फिर भी हमको अभी संसार में और इन काम भोगों में हमारा रस बना हुआ है, प्रसन्नता अभी है। प्रसन्नता किस में होनी चाहिए, सामायिक संवर आदि में। और अगर हमको संसार की बातों में प्रसन्नता हो रही है, देखो करना पड़ रहा है वो बात अलग होती है, श्रेष्ठ मार्ग तो संयम है, संयम नहीं ले सके तो श्रावकपना है। श्रावक भी कैसा होता है कि सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर भाव न्यारो रहे, बस उसी को यहाँ कहा है कि संसार के कार्य करने पड़ते हैं इसलिए वो करता है, और अंतर भाव से वो जानता है कि मुझे इन कार्य करते हुए उन वातावरण में मुझे प्रसन्नता बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं हो रही है। तो धीरे धीरे वे संसार के काम भी क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, और जितना भी वो करता है उसमें उसको रस नहीं आता है। आगे गाता है जम्मम दुखम जरा दुखम रोगानी मरनानी, यह 16वीं गाथा, जम्मम दुखम जरा दुखम
रोगानी मरणानीय, मतलब जन्म भी दुख है और बुढ़ापा भी दुख है, और रोग आ जावे तो वो भी दुख है, और मृत्यु भी दुख है। चार बातें बताई, जन्म, फिर बुढ़ापा, रोग और मृत्यु, ये चारों बातों को उन्होंने दुख बताया है। अब हमको तो ये स्पष्ट लगभग लगता है कि मृत्यु दुख है, बुढ़ापा दुख लगता है क्योंकि पराधीनता हो जाती है, कोई हमको पूछे नहीं पूछे आदि कारण है, रोग स्पष्ट समझ में आता है कि वो भी दुख है, लेकिन भगवान यहाँ पर जन्म को भी दुख बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि चार गति में जन्मना ही सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि जन्मेगा तो मृत्यु को प्राप्त होगा, जन्मेगा और अगर वो सही समझ वाला नहीं है तो वो पाप करेगा। भगवान ने कहा है पापी जीव तो सोता हुआ अच्छा है, जागृत किसको कहा है, मतलब जो धर्म करे वो जागे तो अच्छा है, और पाप करे तो वो सोया हुआ अच्छा है। तो जितना ज्यादा वो जन्म लेगा उतना ज्यादा वो पाप कर सकता है अगर उसकी समझ सही नहीं है। जन्म अपने आप में एक दुख है, जो माता के गर्भ में रहना है 9 महीना वो तो दुख है ही, जन्मते समय जो दुख होता है वो भी दुख है, लेकिन उससे कई गुना बड़ा दुख है जन्म, स्वयं जन्म ही दुख है। मतलब मनुष्य भोग में जन्म लेना भी दुख है, देव गति में जन्म लेना भी दुख है, क्योंकि जब तक ये जन्म से रहित नहीं होता है तब तक उसको अव्ययावाद सुख की प्राप्ति होने ही नहीं वाली है। इसलिए भगवान ने जन्म, जरा, रोग और मृत्यु को दुख कहा है। अहो दुखो हु संसारो, ये पूरा समस्त संसार, मतलब सिद्ध गति को छोड़कर ये जो चार गतियां है वे दुख है, मतलब देव गति को भी यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। देव गति भी कैसी है, दुख है, ये आध्यात्मिक दृष्टि से बता रहे हैं। अहो दुखो हु संसारो जत्थ की संति जंतवो, की संति अर्थात क्लेश पाते हैं। इस चार गति रूप संसार में जीव भ्रमण करते हुए, जन्म और मृत्यु करते हुए क्लेश को प्राप्त होता है। आचारण में भी कहा है कि जो लोक है वो क्लेश है। हमको अगर लगता है कि देवगति अच्छी गति है, सदगति है, या मनुष्य में भी राजा बन जावे, चक्रवर्ती बन जावे, सेठ बन जावे, धन दौलत हो तो सुख है, तो भगवान कहते हैं यह चार गति रूप जो लोक है वो एकांत रूप से क्लेश है, मतलब दुख देने वाला है। अहो दुखो हु संसारो, जब हमको इस चरण के प्रति, जो गाथा बताई है अहो दुखो हु संसारो, इसके प्रति दृढ़ विश्वास हो जाएगा तो फिर हमारा संसार में मन नहीं लगेगा, रस पूर्वक हम कोई भी संसार का कार्य नहीं कर पाएंगे। आगे अब वो बताते हैं कि खेतम वत्तुम हिरणम च, मतलब ये जो भी मुझे प्राप्त हुआ है, क्षेत्र, वस्तु, मतलब प्लॉट है, घर है, महल है, वस्त्र है, आभूषण है, पत्नी है, माता पिता आदि है, सोना चांदी हीरा मोती, इन सब को मुझे छोड़कर संयम पालन करना है। मतलब जो भी प्राप्त सामग्री है उनसे सिर्फ द्रव्य रूप से नहीं छोड़ना है, भाव रूप से छोड़ना है, मतलब भाव परिग्रह जो है ममत्व को छोड़े बिना भले वेश परिवर्तन कर ले वे, लेकिन सच्चा संयमी नहीं बन पाएगा। तो सच्चा संयमी बनने के लिए द्रव्य के साथ साथ भाव परिग्रह को भी छोड़ना पड़ेगा। तो आगे वे कह रहे कि जह किंपाग फलानम परिणामो न सुंदरो, मतलब जैसे किंपाग फल का परिणाम सुंदर नहीं होता है, किंपाग फल मतलब देखने में सुंदर लगता है, खाने में भी स्वादिष्ट है, लेकिन उसका परिणाम क्या है, उसका परिणाम मृत्यु है, कुछ समय बाद, कुछ देर बाद मृत्यु होती है। तो जैसे किंपाग फल का परिणाम सुंदर रूप में नहीं मिलता है, वैसे ही इन भोगों का परिणाम सुंदर रूप में नहीं मिलेगा। पीछे भी बताया था कि पच्छा कड़ू या विवागा, मतलब वर्तमान में भले ही काम भोगों को भोगने वाला हमको सुखी दिखाई दे सकता है, वो भी सुखी किसको दिखाई देगा, अगर उसका मन संसार में है तो संसारी जीव को संसारी जीव सुखी लगता है, आध्यात्मिक जीव को, साधक को संसारी जीव एकांत रूप से दुखी लगता है। आया ध्यान में आपको,
तो जैसे किंपाक फल का परिणाम सुंदर नहीं होता है, वैसे ही इन भोगों का परिणाम सुंदर नहीं होगा, ये उनकी दृढ़ श्रद्धा हो गई। अब उन मृगा पुत्र के पास जो भी प्राप्त सामग्री है, उनके सामग्री से हमको जो भी प्राप्त सामग्री है उनका कंपैरिजन करें, हम उनके सामने कदाचित 1% भी खरे नहीं उतरेंगे। और हमारे पास कम होने के बावजूद भी हमारी आसक्ति लगभग ज्यादा है, उनके पास इतना प्रचुर मात्रा में होते हुए भी उनकी उनकी आसक्ति, उनका ममत्व भाव दूर हो चुका है। और अब देखो, देखने की दृष्टि बदल चुकी है। जाति स्मरण ज्ञान के पहले वो भी संसार में उसी तरह लिप्त थे, लेकिन साधु को देखा, जाति स्मरण हुआ, पिछला भव याद आ गया, पिछले अनेकों भव याद आए, दुख याद आया, संयम याद आया, देवगति याद आई, अब उनकी दृष्टि बदल चुकी है। तो हमको भी हमारी दृष्टि बदलने का प्रयास, सम्यक पराक्रम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सामने आज आगम है, जिनवाणी हम गुरु भगवतों के माध्यम से भी सुनते आ रहे हैं। अब आगे उन्होंने दो उदाहरण दिए कि धर्म का मतलब धर्म किस प्रकार का फल देता है, और धर्मों को किस तरह से सुरक्षित, या मनुष्य भाव को किस तरह से सुरक्षित रखना चाहिए। पहला उदाहरण के पाथेय मतलब टिफिन, जो व्यक्ति को प्रवास करना है, ट्रेवलिंग करना है, वो अगर बिना टिफिन लिए ही ट्रेवलिंग करता है तो भूख और प्यास लगने पर वो दुखी होगा, क्योंकि उसके पास टिफिन नहीं रहेगा। उसी तरह से जो व्यक्ति धर्म करनी किए बिना इस भव से रवाना होता है, प्रस्थान करता है अगले भव में, तो वो अगले भवों में निश्चित रूप से दुखी होगा, क्योंकि उसके पास धर्म रूपी टिफिन नहीं है। फिर आगे उसका अपोजिट बताया कि जो व्यक्ति प्रवास करते समय अपने पास टिफिन रखता है, वो व्यक्ति जब उसको भूख और प्यास लगेगी तो वो टिफिन का आहार करके वो सुख को प्राप्त करेगा। उसी तरह जो व्यक्ति धर्म करनी करके अगले भव में रवाना होगा, वो व्यक्ति गच्छन्तो सो सुई होई, मतलब वो सुख को प्राप्त करेगा। क्यों सुख को प्राप्त करेगा, तो आगे बताया, अपकम्मे अपव्ययने, अप मतलब कम, अल्प, कम्मे मतलब कर्म, मतलब उसके जो कर्म है अब अल्प हो चुके हैं, जो पहले बहुत ज्यादा कर्म थे, अब उसने धर्म करनी करी मनुष्य भाव में, धर्म करनी करके अर्थात संवर और निर्जरा रूप धर्म करके उसने अपने कर्म के भार को कम कर दिया, और कर्म कम हुए, अशुभ कर्म कम हुए, तो वेदना जो है असाता वेदना वो भी कम हो जाएगी, इस तरह से वो सुख को प्राप्त करेगा। आपको अगर पता होगा तो जयंती बाई ने भी जब भगवान को प्रश्न पूछा कि अहो भगवान, जीव हल्का कैसे होता है, तो भगवान ने फरमाया कि 18 पापों के त्याग से जीव हल्का होता है, भव भ्रमण कम करता है। तो बस वही बात यहाँ पर बता रहे हैं। तो जो व्यक्ति धर्म करके अगले भव में जाएगा वो निश्चित रूप से सुखी बनेगा, और इसी श्रद्धा से मृगा पुत्र दीक्षा लेने जा रहे हैं। ये हुआ पहला एग्जाम्पल, टिफिन का एग्जाम्पल। दूसरी बात बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि मान लो कि किसी घर में या महल में आग लग जावे, आग लगने पर उस घर का जो मालिक है वो क्या करेगा, क्या वो वस्त्र निकालेगा, क्या वो बर्तन बाहर निकालेगा, क्या वो अन्य जो अल्प मूल्य वाली वस्तुएं है, जैसे मान लो कि डोरमैट है, मान लो कि कोई कारपेट है, क्या उन वस्तुओं को बाहर वो निकालेगा, नहीं। अगर वो स्वामी बुद्धिमान है तो वो बहुमूल्य जो पदार्थ है उसको बाहर निकालेगा घर से, क्योंकि बाकी के वस्तुएं अगर जल जाती है तो उतना नुकसान नहीं होगा। बहुमूल्य पदार्थ अर्थात सोना, चांदी, मणि, रत्न आदि, जो जिसका मूल्य अधिक है, क्योंकि वो पदार्थ अगर वो बाहर निकाल लेवे तो उसको बेचने पर जो उसको पैसा धन आदि मिलेगा उससे अपना वो जीवन निर्वाह कर सकता है, वापिस महल भी वो बना सकता है। तो जिस तरह से आग लगने पर घर के अंदर से बहुमूल्य पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं, अल्प मूल्य पदार्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, उसी तरह ये जो लोक में आग लगी हुई है, क्या बताया,
इस लोक में, एवं लोए पलितम्मी, बहुत बड़ी बात है, हम तो अभी बैठे हुए हैं, अगर गर्मी होगी तो एसी चलाया हुआ है, चलाया हुआ है, अगर ठंडी होगी तो हीटर लगाया हुआ है, मतलब रूम को कंडीशन कर दिया है, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर हमने सेट कर दिया है ताकि हमारे शरीर को दुख ना लगे, ठीक है, ये तो मनुष्य भव है, आगे नरक की भी वेदना बताने वाले हैं, लेकिन भगवान तो बोल रहे हैं एवं लोए पलितम्मी, मतलब ये जो लोक है वो जल रहा है, किससे जल रहा है, वही जरा और मरण से, बुढ़ापे से, मृत्यु से, जन्म से, रोगों से, और ये जो भव भ्रमण है उससे वो जल रहा है, कर्मों से जल रहा है, देवगति भी कर्मों से जल रही है, ये भगवान के, भगवान की वाणी है। तो ये जो 14 राजलोक जल रहा है, अब उसमें हमको क्या करना है, जैसे उदाहरण दिया घर का, तो इस 14 राजलोक में से या मनुष्य भव में से हमको वो पदार्थ बाहर निकालने हैं, सुरक्षित कर लेना है जो मूल्यवान है। मूल्यवान क्या है? आत्मा। अपानं तारयिष्यामि, आत्मा के अलावा अन्य कोई भी पदार्थ मूल्यवान नहीं है। आप बाकी अन्य कोई भी चीज को बचा लो, आपकी आत्मा अगर नहीं बचती है तो बचे हुए पदार्थ का भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर आत्मा इस जलते हुए लोक से बच जाती है तो हमको अनेकों उदाहरण पता है, वो सिद्धत्व को प्राप्त हो जाती है, सिज्जई बुज्जई मुच्चई सर्व दुखान अंतम करंतम भी, मतलब सभी दुखों का अंत कर लेती है। ये उदाहरण देकर शास्त्रकार हमको समझा रहे हैं, पहली बात बताई टिफिन लेकर अगले भव में जाना है, दूसरी बात भी वही उसी को पुष्ट करती है कि जलते हुए लोक में धन को सुरक्षित नहीं रखना है, परिवार को सुरक्षित नहीं रखना है, वो सब सेकेंडरी है, प्राइमरी है आत्मा को सुरक्षित रखना है। आत्मा को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? धर्म करनी कर, नौ तत्व में से धर्म क्या है? संवर और निर्जरा को धर्म कहा है, आदेय है, मतलब करने योग्य है, ठीक है। तो इस तरह की चर्चा मुर्गा पुत्र ने माता पिता के सामने करी। अब माता पिता को तो पता चल गया कि भाई इसको वैराग्य तो आ चुका है, अब ये दीक्षा लेने के लिए उद्यत हो रहा है। अब आगे क्या करेंगे माता पिता? संयम की जो दुष्करता है पहले वो बताएंगे, और फिर संसार में जो भी प्राप्त हुआ है भाई उसको भोग लो, वो बताएंगे। तो पहले तो संयम की दुष्करता, तो बता रहे हैं कि संयम जीवन ये कठिनाई का जीवन है, संयम पालना अर्थात तलवार की धार पर चलने के समान है, आगे एक एक उदाहरण बताएंगे वो। लेकिन आप देखना संयम कठिन किसको लग सकता है? उसी व्यक्ति को संयम कठिन लगता है, अनेकों कारण है, जिसको पहले तो संसार में आसक्ति है, काम भोगों में ममत्व रहा हुआ है, काम भोगों को छोड़ नहीं पा रहा है, काम भोगों के बिना वह अपना जीवन की, अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर पा रहा है, जैसे टीवी के बिना जीवन नहीं हो सकता, मोबाइल के बिना जिया ही नहीं जा सकता, स्त्री के बिना, धन के बिना, गाड़ी के बिना, सत्ता के बिना, प्रतिष्ठा के बिना मेरा जीवन, मुझे जीना कठिन है, इन ऐसे जीवों को संयम लेना कठिन लगता है। अब मुर्गा पुत्र को वो कठिन नहीं लग रहा है, जो हमने पहले वर्णन देखा, मुर्गा पुत्र तो तैयार हो चुके हैं दीक्षा लेने के लिए, माता पिता को अभी वो कठिन लग रहा है, क्यों? क्योंकि अभी इनको वैराग्य नहीं हुआ है, सच्ची समझ अभी इनको नहीं आई है, इसलिए इनको अभी कठिन लग रहा है। तो आगे बताते हैं, अब पांच महाव्रत, संयम अर्थात पांच महाव्रतों को ग्रहण करना है, और जिस श्रद्धा से ग्रहण किए हुए है उसी श्रद्धा से उन पांच महाव्रतों को जीवन भर के लिए अखंड रूप से पालन करना है, उसको कहते हैं श्रमणत्व। ये आचरण सूत्र में ये बात आई है, तो बस उसी का वर्णन यहाँ कर रहे हैं कि भाई त्रस और स्थावर जीवों के ऊपर समभाव रखना है। समभाव अर्थात क्या? उनकी विराधना नहीं करना है। विराधना 10 प्रकार की है, जो इच्छा कारिणम आलोचना सूत्र में हम बोलते हैं, अभिहया, वत्तिया, लेसिया आदि जो भी प्रकार की विराधना है, उन विराधनाओं से उन जीवों को बचाना है, बस वही समभाव है। शत्रु मित्र के ऊपर समभाव रखना है, अर्थात अभी यहाँ पर पहले व्रत का पालन करना है, मतलब हिंसा से पूरी तरह से निवृत्त हो जाना है,
स्थावर त्रस जीवों की तो हिंसा करना ही नहीं है, स्थावर की भी हिंसा नहीं करना है। आगे अप्रमत्त रहकर मृषावाद का त्याग करना है। मतलब मृषावाद का त्याग कब हो पाएगा? जब अप्रमत्त रहेंगे, 2400 घंटे विचार करेंगे कि बोलने योग्य कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो जावे, खड़ी हो जावे, तो साधु विचार करता है बोलना या नहीं बोलना, बोलना तो शास्त्र अनुसार बोलना या बोलने का अवसर है या नहीं, इस तरह से चिंतन करके वे मूर्छावाद का त्याग करते हैं जावत जीव के लिए, तीन करण तीन योग से। फिर बता रहे हैं कि अदत्त दान का त्याग होगा, मतलब बिना दिए हुए बड़ी वस्तु तो लेना ही नहीं है, यहां तक कि दांतों को स्वच्छ करने के लिए तृण, दांतों को स्वच्छ करने के लिए जो तृण होती है वो भी नहीं लेना है बिना पूछे या बिना दिए हुए, इस तरह का कठोर ये तीसरा महाव्रत का पालन जीवन भर के लिए करना है। उसी में आगे दिया कि बिना दिया हुआ लेना नहीं है, अर्थात आहार तो लेना पड़ेगा, आहार भी कैसा लेना है, भिक्षाचर्या करके, ये साधु की चर्या है, निर्दोष ऐशनीय और प्रासुक आहार ही ग्रहण करना है। जो अप्रासुक आहार ग्रहण करता है उसका फल भगवान ने अन्य आगमों में, उत्तरायण सूत्र में भी, भगवती सूत्र में भी और अन्य आगमों में भी उसका फल का दिग्दर्शन किया हुआ है। देने वाले को भी किस तरह से दोष लगता है और ग्रहण करने वाले को भी किस तरह का दोष लगता है और वो किस तरह से दुर्लभ बोधि भी होता है, इसका वर्णन भगवान ने आगमों में बताया हुआ है। ये हुआ तीसरा महाव्रत। चौथे महाव्रत में काम भोगों के रस को जानने वाले पुरुष के लिए मैथुन का सर्वथा त्याग करना कठिन है, क्योंकि मुर्गा पुत्र है, शादी की हुई है, तो स्त्री का संग रहा हुआ है, अब भोगों को भोगने के बाद इन भोगों को जावत जीव के लिए, और अभी जवान है, आगे शब्द आया हुआ है कि वे अभी जवान है, बूढ़े नहीं है ये, तो इस जवानी में स्त्री आदि भोगों का त्याग करना मैथुन संबंधी अत्यंत कठिन है, क्योंकि वे जानते हैं कि मुर्गा पुत्र है, शादी वगैरह हुई हुई है, तो इसलिए चौथे व्रत को भी यहाँ पर इन्होंने दुष्कर बताया है। अब माता पिता पांचवे महाव्रत के बारे में बोल रहे हैं। पांचवा महाव्रत है आरंभ और परिग्रह का सर्वथा त्याग, तीन करण तीन योग से करना है। साधु है, साधु के अनेक नियम आप जानते हो, साधु है तो 72 हाथ से अधिक कपड़ा नहीं रखना है, साध्विया है तो 96 हाथ से ज्यादा कपड़ा नहीं रखना है, पात्रे की भी मर्यादा है, अन्य जो सामग्री है वो भी मर्यादा है, और जो भी इनके ये उपकरण है उसमें भी इनको ममत्व बुद्धि से नहीं रखना है, संयम में ये सहायक है, इस बुद्धि से ही उन उपकरणों को रखना है, इतना कठोर ये पांचवा महाव्रत है। अब ये भी जानते हैं कि ये कितना कठोर, क्योंकि मुर्गा पुत्र जो है जन्म से इन्हीं काम भोगों में परिग्रह में रहा हुआ है, उसको उसकी आदत लगी हुई है, इसलिए ये माता पिता समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुझे पांचों महाव्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है, लेकिन मुर्गा पुत्र के माइंड का स्टेट ऑफ माइंड कुछ अलग है, क्योंकि वापिस जाति स्मरण ज्ञान हुआ है, पिछले भव को स्मरण किया हुआ है, क्या करने से क्या मिलता है पूरा उनके दिमाग में है, इसलिए वो जान चुके हैं कि काम भोग जो है वो किम्पाग फल के समान है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। छठी बात बता रहे हैं रात्रि भोजन का त्याग करना भी कठिन है। साथ ही साथ मूल पाठ में है सन्निधि संचय, अनेकों बातें इसमें आ जाती है, एक तो पहले प्रहर का लाया हुआ चौथे प्रहर में ग्रहण नहीं करना है, फिर सन्निधि संचय घी दूध आदि जो भी खाने के पदार्थ है यहाँ तक कि औषधियां उसको भी संचय कर नहीं रखना है, अतना मतलब रात्रि में अपने नेशराय में नहीं रखना है, इतना कठोर नियम साधु के लिए भगवान ने बताया हुआ है। क्यों? क्योंकि इन सब बातों से वो दूर रहेगा तो वो आत्मरमण कर पाएगा, अगर इन बातों में वो आसक्त हो गया तो फिर वो आत्मरमणता नहीं कर पाएगा। ठीक है, पांच महाव्रत, छठा रात्रि भोजन, फिर आगे 22 परिषहों का छोटा थोड़ा सा वर्णन किया उन्होंने कि क्षुधा पिपासा मतलब भूख लगना, प्यास लगना, ठंडी गर्मी, मच्छर, फिर याचना करना, दीक्षा आने के बाद भोजन जो है वो स्थानक में नहीं आता है, उपाश्रय में नहीं लाता है कोई, साधु को पात्रा लेकर घर घर जाना पड़ता है, उसके भी अनेक नियम है, तो
मांगना पड़ेगा, मतलब याचना करना पड़ेगा। आप सोचो, राजकुमार है, मतलब राजा का बेटा राजकुमार, वो दीक्षा लेगा तो उनके पिता उनको वहां पर लाकर देने वाले नहीं है, उनको भी गोचरी जाना पड़ेगा, आहार लेना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। ठीक है, मांगने के बाद कदाचित नहीं मिले तो अलाभ परिशह, कभी रोग हो जावे रोग का परिशह, ऐसे अनेक जो 22 परिशह बताए हैं उसका थोड़ा बहुत दिग्दर्शन यहाँ पर माता पिता ने मुर्गा पुत्र को समझाने का प्रयास किया। आगे बता रहे हैं कि संयम जीवन कैसा है, गाथा बताता हूं। कावोया जा इमा वित्ती केस लोय दारुनो, कावोया मतलब कापोत, मतलब ये जो पक्षी है पक्षी के समान तुझे वृत्ति करना है, अर्थात पक्षी जो है जब आहार करता है तो यहां वहां देखकर सावधानी पूर्वक शंका सहित, मतलब कहीं कोई आ ना जावे, मेरे कोई पत्थर ना फेंक देवे, कोई बिल्ली ना आ जावे, तो अपने शरीर को सुरक्षित रख कर वो आहार एक एक दाने का आहार करता है और उतना ही आहार करता है कि जिससे उसका पेट भर जावे, अधिक संचय कर नहीं रखता है। तो इस तरह की वृत्ति चर्या तुम्हें साधु बनने के बाद करना है। आगे बोलते हैं कि केस लो या दारुनो, मतलब केसों का लोज करना पड़ेगा, वहां आकर कोई कटिंग नहीं करने वाला, हेयर कट नहीं करने वाला है, बालों को मूल से उखाड़ना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, कोई वहां पर शस्त्र इस्तेमाल नहीं कर पाए, उस तरह से निकालना नहीं है, वो तो हाथों से बालों को उखाड़ना है, ये तो अत्यंत कठिन है। तो इस तरह की कठिनाइयां, संयम जीवन की कठिनाइयां उनको बता रहे हैं। दुखम बंबवयम घोरम धार्यम अमपनो, ठीक है। अब आगे सु होइयो तुमम पुत्ता सुकुमालो सुमज्जियो, मतलब हे पुत्र तू सुख उचित है, अर्थात सुख भोगने के योग्य है। यहाँ पर आ गया सुकुमार, जैसे पहले कहा था कि तू बूढ़े नहीं है, वे अभी जवान है, तो माता पिता कह रहे कि हे पुत्र तुम अभी जवान हो, सुकुमार हो, तुम्हारी ये जो उम्र है वो तो भोगों को भोगने की उम्र है, सुखों को भोगने की उम्र है, अर्थात स्नान विलेपन वस्त्र आभूषण आदि से अलंकृत रहने वाला है, इसलिए हे पुत्र तू श्रामण्य पालने के लिए, श्रमण धर्म पालने के लिए असमर्थ है। क्योंकि अभी माता पिता समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मुर्गा पुत्र ने किस तरह की शक्ति अर्जित कर ली है, उनको लगता है कि अभी तो ये बचपन से इन काम भोगों में लिप्त रहा हुआ है, ये अचानक इसको कोई भाव आ गया है और ये बिना सोचे समझे दीक्षा लेने जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो जावे कि दीक्षा लेने के बाद वे कष्ट सहन न कर सके और वापिस आ जावे, तो ऐसा अभी माता पिता को लग रहा है, तो इसलिए वो सब बातें उनको बता रहे कि संयम किस तरह से कष्टदायी है। अब आगे आगे वापिस 12 प्रकार के 12 उदाहरणों से वे समझा रहे हैं कि संयम में कष्ट कैसा है। जैसे लोहे के भार उठाना कठिन है, वैसे ही संयम पालना कठिन है। जैसे पानी का स्रोत नीचे गिर रहा है किसी पर्वत से, उसमें तैरना कठिन है, उस तरह से संयम पालन करना कठिन है। जिस तरह से समुद्र को भुजाओं से तैरना, भुजाओं से पार करना समुद्र को, भुजाओं से मतलब हाथ से, किसी नाव में या शिप में या क्रूज में बैठकर नहीं, जिस तरह से भुजाओं से समुद्र पार करना कठिन है, उसी तरह यह संयम जीवन पालन करना कठिन है। फिर बालू के कवल के समान निस्वाद है, ध्यान रखना, बालू मतलब रेत। मिठाई खाते, रसगुल्ला खाते, गुलाब जामुन खाते तो उसमें स्वाद आता है, लेकिन रेत अगर कोई खाता है तो उसमें स्वाद नहीं आता, वो निस्वाद होता है। उसी तरह ये संयम जीवन जो है वो निस्वाद है, क्योंकि संयम लेने के बाद वहां पर टीवी नहीं है, मोबाइल नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, सगाई नहीं है, सपन नहीं है, शादी नहीं है, घूमना नहीं है, फिरना नहीं है, आहार भी इच्छा से नहीं लेना है, त्याग है, त्यागमय जीवन है, इसलिए उसको निस्सार कहा है। आगे तलवार की धार के ऊपर चलने के समान है। फिर सर्प की तरह एकाग्र दृष्टि से चलने के समान है। सर्प बील में अगर जावे तो एकाग्र दृष्टि से वो नीचे उतरता है, अगर वो उसकी दृष्टि प्रमाद वाली हो जावे तो उसको काटे या जो काटे आदि है चुभ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान फरमा रहे हैं
कि संयम जो है वो एकाग्र दृष्टि से अप्रमत्त भाव रहकर ही संयम का पालन किया जा सकता है। अगर वो प्रमादी बन जाएगा तो उसके जीवन में शिथिल आचार का प्रादुर्भाव हो जाएगा। अब शिथिल आचारी साधु मोक्ष को प्राप्त नहीं करते हैं, उल्टा वे अपना भव भ्रमण बढ़ा लेते हैं। लोहे के चने चबाने के समान है, फिर अग्निशिका मतलब अग्नि को मुंह में लेने के समान है, वस्त्र के थैले में हवा भरने के समान है, मेरु पर्वत को तराजू में तोलने के समान है, और आखिरी बताया भुजाओं से समुद्र को तैरने के समान है। तो इस तरह से 12 उपमाओं से उन्होंने बताने का प्रयास किया कि संयम अत्यंत कठिन है। अब ये बातें अगर हमारे सामने कोई करे तो हमारे थोड़े बहुत भी जो भाव हुए होंगे संयम के, कदाचित हमारा वैराग्य अगर कम है तो वे भाव विचलित हो जाते हैं या विचलित हो जाएंगे, लेकिन मुर्गा पुत्र अपने वैराग्य पर स्थिर थे। अब माता पिता कह रहे हैं कि ये तरुण अवस्था है, तो अभी तुम भले ही तुम्हें दीक्षा लेने की इच्छा हुई है, लेकिन इस तरुण अवस्था में तुम दीक्षा मत लेना। तुम भुत्त भोगी होकर, भुत्त भोगी तवो जाया, मतलब इन काम भोगों को भोग कर जो भी हमने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है उनका उसका आनंद लेकर फिर तुम बुढ़ापे में संयम को ग्रहण करना। लेकिन अब मुर्गा पुत्र उत्तर दे रहे हैं, जो भी माता पिता ने भी उनको ये समझाया, मुर्गा पुत्र उत्तर दे रहे हैं कि अहो माता पिता, आप जो कह रहे हैं वो सही है, मैं भी मानता हूं, लेकिन जो ये कठिनाइयां आपने बताई है वो तो उस व्यक्ति के लिए कठिन है जो संसार में आसक्त है, जिसको संसार में स्पृहा है, ममता है, जिस व्यक्ति को संसार से निस्पृह हो चुका है, अममत्व हो चुका है, उस जीव को, उस व्यक्ति को संसार छोड़ना और संयम पालने में लेश मात्र भी कठिनाई नहीं होती है। इतना कॉन्फिडेंस मुर्गा पुत्र को था, सिर्फ जाति स्मरण से पिछले भव जो भी देखे उससे ये कॉन्फिडेंस आया है। हमने तो अनेकों बार जिन वाणी का श्रवण किया हुआ है, फिर क्यों नहीं हमको संसार असार लगता है, क्यों हमको अभी भी ऐसा लगता है कि संसार के बहुत सारे कार्य करने अभी शेष है। एक ना एक दिन हमको भी मृत्यु आने वाली है। मुर्गा पुत्र का कॉन्फिडेंस, आगे वे उत्तर दे रहे हैं। अब वे दुखों का वर्णन कर रहे हैं कि हे माता पिता, अनेकों बार मैंने इस चार गति रूप संसार में भ्रमण किया हुआ है और अनेकों बार नरक और तीरंज में जाकर मैंने भयंकर दुसाध्य और ये कष्ट सहन किए हुए। ये उनको कैसे पता चला? जाति स्मरण से। ना उन्होंने कोई आगम पढ़े है, ना उन्होंने जिनवाणी सुनी है, उनको जाति स्मरण में आया है कि मैंने पिछले भवों में नरक और तिरंज में भयंकर दुखों को सहन किया हुआ है। मैंने अनेकों बार ठंडी की वेदना सही है और गर्मी की उष्ण वेदना भी सहन की है। फिर वे नरक की वेदना बताते हैं कि नरक में किस तरह से परमाधार्मिक देवों ने मुझे सताया है, पीड़ा पहुंचाई है। अनेक प्रकार के वर्णन दिए हुए यहाँ पर, जैसे कुंभी है, कुंभी में उनको पकाया हुआ है, किसको? मुर्गा पुत्र को। मतलब मुर्गा पुत्र बोल रहे हैं कि उन परमाधार्मिक देवों ने मुझे कुंभी में पकाया हुआ है, अग्नि में डालकर मुझे उल्टा लटकाया और नीचे से अग्नि जलाई है, मुझे पेड़ के ऊपर किसी डाल से लटकाया और तलवारों से, चाकू से, छुरियों से मेरा छेदन भेदन किया हुआ है, भाले से मेरे शरीर के एक साइड से भाला डालकर दूसरे साइड से बाहर निकाला हुआ है। इन परमाधर्मियों ने मेरे शरीर के अनेकों छोटे छोटे टुकड़े किए हुए हैं। इस तरह की वेदना मुझे प्रत्यक्ष अभी ध्यान में आ रही है और जो उन्होंने सहन किया उनको सब याद आ रहा है। तो जब जाति स्मरण भी चित्त समाधि के कारण बताया हुए है, चित्त समाधि में भी बताया है कि अगर जाति स्मरण होवे तो जीव को चित्त में समाधि होती है, लेकिन समाधि कब होगी? जब वो जाति स्मरण में जब वो इन दुखों को देखेगा,
साथ ही साथ काम भोगों के परिणामों को देखेगा तो उसको चित्त में समाधि होगी। ठीक है, अब आगे यंत्रों में पिलाया गया, मतलब यहां पर जैसे गन्ने को यंत्र में डालते हैं, गन्ने का जूस निकालते हैं, उस तरह से मुझे इन परमाधर्मियों ने यंत्रों में डाला है, पिलाया हुआ है। आगे बताया कि तलवार से तीक्ष्ण मुंह वाले पक्षी का रूप बनाया और वे पक्षी आकर मुझे ताड़ना तर्जना करते थे, डंक मारते थे, मेरा छेदन भेदन करते थे। फिर इन परमाधर्मियों ने मेरी चमड़ी निकाल डाली, चमड़ी उधेल डाली। फिर इन परमाधर्मियों ने, जैसे मान लो कि जो मांस में आसक्त होता है, मांस मदिरा मतलब नॉनवेज मांस, जो नॉनवेज में आसक्त होता है, उन जीवों को, उन नारकियों को परमाधर्मियों ने याद कर करके उस नारकी के ही टुकड़े कर मुंह में डाला हुआ है। मतलब मेरा ही मांस निकाल कर मेरे मुंह में लाल लाल और गरम गरम मांस डाला हुआ है। जो मदिरा में आसक्त थे, मतलब शराब दारू में जो आसक्त थे, चाहे वो वाइन बियर या जो भी अलग अलग प्रकार की आती है, वे जीव काल करके जो नरक में गए, उन नारकियों को परमाधर्मिक देवताओं ने याद कर करके गरम गरम सीसा, गरम गरम तांबा उबलता हुआ उनके मुंह में डाला हुआ। इस तरह की प्रचंड वेदना मैंने 10,000 वर्ष पहली नारकी की बात करें तो, और सातवीं नारकी की बात करें तो 33 सागरोपम तक ये असह्य वेदना को सहन किया हुआ है। अगर उन वेदनाओं की बात करें तो उन वेदनाओं के सामने तिर्यंच की और नरक की, ये जो संयम जीवन का दुख कष्ट और परीक्षा आपने बताए वो तो लेश मात्र भी नहीं है। और आगे उस नारकी और तीरंज की वेदना सहन कर मिला कुछ भी नहीं, क्योंकि वो अकाम निर्जरा हुई। और यहां पर अगर मैं समझ पूर्वक संयम ग्रहण करूं, नियमों का पालन करूं, जीवन भरंत जीवन भर उसका उन नियमों का संरक्षण करूं, तो मेरा एक तो मोक्ष होगा, नहीं तो सदगति होगी। तो इस तरह की चर्चा, इस तरह का नरक का दुख मृगा पुत्र जी ने अपने माता पिता को बताया। अब माता पिता अभी भी मान नहीं रहे हैं। देखो, नरक के दुख के लिए गाथा लगभग बताई, गाथा नंबर 44 से लेकर 73 तक, लगभग मतलब 28 से लेकर 30 गाथाओं में मृगा पुत्र जी ने नरक में होने वाले दुखों का वर्णन बताया। और नरक में कैसे गए वो बता रहे हैं, मेरे जैसा पापी, पापी मतलब मनुष्य और तिर्यंच गति में जो पाप किए, या देव गति में भी जब गया तब वहां पर जो मैं भोगों में आसक्त रहा, फल स्वरूप उनके अगले के अगले भवों में मुझे नरक गति प्राप्त हुई और वहां पर मैंने इस तरह के दारुण्य दुखों को सहन किया हुआ है। ठीक है, अब आगे, हाँ एक मिनट, 73। अब आगे, हे माता पिताओं, मनुष्य लोक में जैसी वेदना दिखाई देती है, नरकों में उससे अनंत गुना दुख रूप असाता वेदना है। अब यहां पर मूल पाठ में आया निमे संत रमितम्पी, मतलब नरक में जो वेदना थी वो एक दिन के लिए नहीं थी, या 100 साल के लिए नहीं थी, 10,000 वर्ष कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 33 सागरोपम के लिए थी, एक भव की बात करें तो। और वो भी ऐसा नहीं था कि एक दिन वेदना हो गई, दूसरे दिन आराम मिल गया एकांतर, तीसरे दिन वापिस वेदना हो गई, चौथे दिन आराम मिल गया, इस तरह की भी वेदना नहीं थी। या स्कूल कॉलेज की अगर बात करें तो कुछ रेस्ट पीरियड होता है या रिसेस होती है, ब्रेक होता है, 15 मिनट का ब्रेक या आधे घंटे का ब्रेक, तो उस तरह का ब्रेक भी उस नरक गति में नहीं था। निमे संत रमितम्पी, मतलब आंख बंद करके खोले उतने टाइम के लिए भी नरक में सुख साता का अनुभव नहीं किया हुआ है। मतलब कंटिन्यूअस 24 आवर्स कंटिन्यूअसली वो वेदना चलती रहती है। अब आगे, मुर्गा पुत्र का उपरोक्त कथन सुनकर माता पिता उसे कहने लगे कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है
संयम लेना है तो अपनी इच्छा अनुसार प्रभु इच्छा अंगीकार करो, किंतु संयम लेने के पश्चात साधुपने में निष्प्रतिकर्मता, मतलब यदि शरीर में कोई रोग अगर आ जावे तो तुम क्या करोगे। अब ये सब बातें पहले बता दी परीक्षा आदि की, अब रोग से डराने का प्रयास कर रहे हैं, शरीर में अगर रोग हो जावे तो तुम क्या करोगे। अब मुर्गा पुत्र उनको उत्तर दे रहे कि माता पिता आप जो कह रहे हैं वो बात सही है कि रोग आदि की उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन आप विचार करो कि जो फॉरेस्ट में मतलब जंगलों में अनेक प्रकार के जानवर पशु आदि रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, उसमें उदाहरण दिया यहाँ पर मृग का और पक्षियों का, उनको अगर कोई रोग हो जावे तो उनको पूछने वाला कौन है। उन मृग आदि को अगर रोग हो जावे तो उनकी सुखसाता कौन पूछता है, कौन उनको आहार लाकर देता है, कौन उसको पानी लाकर देता है और कौन उसको औषधि लाकर देता है। तो फिर वो मृग क्या करता है, किसी पेड़ के नीचे बैठा रहता है और रोग को सहन करता है, और रोग की जब शांति हो जाती, उपशांति हो जाती है, रोग मिट जाता है, तब फिर वह मृग वापिस आहार और पानी के लिए जंगलों में निकलता है। किसी जगह से वो आहार लेता है, किसी जगह से वो पानी लेता है, बस अपना पेट भरने के लिए। बस उसी तरह से मृग जिस तरह से चर्या करता है, आचरण करता है, उस तरह से मैं करूंगा, अर्थात मुझे भी अगर कोई रोग उत्पन्न हो जावे तो मैं किसी भी प्रकार की चिकित्सा की अपेक्षा नहीं करूंगा। मतलब कोई आकर मेरा ट्रीटमेंट कर देवे, कोई मुझे मेडिसिन दे देवे, इस तरह की अपेक्षा या इच्छा मैं नहीं करूंगा। और आहार पानी कैसे ग्रहण करूंगा, जैसे मृग करता है, मृगचर्या, मतलब अनेकों घरों में जाकर जिस तरह से गोचरचर्या बताई है उस तरह की मैं गोचरी करूंगा, जितना चाहिए उतना लूंगा और संचय नहीं करूंगा। यहाँ पर भी अभी आया कि मैं संचय नहीं करूंगा, मतलब उसको इकट्ठा नहीं करूंगा, एकत्रित नहीं करूंगा आहार पानी को। तो इस तरह की चर्या कर मैं भी संयम जीवन का उत्कृष्ट पद्धति से पालन करूंगा। तो इस प्रश्न का भी उत्तर मुर्गा पुत्र जी ने दे दिया। अब माता पिता समझ चुके हैं कि मुर्गा पुत्र को इतना समझाने के बावजूद भी, किस तरह से समझाया, पहले बताया कि पांच महाव्रत, छठा रात्रि भोजन, फिर बताया कि 12 प्रकार की जो बातें बताई कि संयम किस तरह है, नहीं फिर 22 परिशह, फिर बताया कि संयम किस तरह है, जैसे लोहे के चने चबाना, तलवार की धार, मेरु पर्वत को तोलना आदि 12 बातें बताई, फिर भी मुर्गा पुत्र नहीं माने तो फिर शरीर आदि में रोग आदि उत्पन्न हो जावे वो बातें बताई। इन सभी का उत्तर मुर्गा पुत्र जी ने विचक्षणता पूर्वक दिया, नरक के दुखों का वर्णन किया और लास्ट में अभी जंगल में जिस तरह से मृग रहता है उस मृग और पक्षियों का उन्होंने उदाहरण दिया। अब माता पिता समझ चुके हैं कि इसको वैराग्य उत्पन्न हो चुका है, ये कोई मतलब वैराग्य उत्पन्न हो चुका है, अब ये ठहरने वाला नहीं है, इसको प्रलोभन देकर भी देख लिया, स्त्री का प्रलोभन दिया, काम भोगों का प्रलोभन दिया, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है, संयम के कष्ट बताए, रुकने वाला नहीं है, अब हमारे लिए उचित है कि हम इसको क्या दे देवे, आज्ञा दे देवे। तो इस तरह से माता पिता ने मुर्गा पुत्र को दीक्षा ग्रहण करने की आज्ञा दी। अब आगे कुछ गाथा है बाकी है, मुर्गा पुत्र का संयमी जीवन कैसा, तो शास्त्रकार फरमा रहे हैं कि जिस तरह से, देखो दो उदाहरण दिए यहाँ पर, मुर्गा पुत्र का वैराग्य जिस और त्याग, जिस तरह से सर्प मतलब स्नेक अपने स्किन को, मतलब जो उसका ऊपर का लेयर है स्किन का, जिसको काचली बोलते हैं, जिस तरह से सर्प अपनी काचली को दूर करता है, मतलब छोड़ देता है, उस तरह से मुर्गा पुत्र ममत्व भाव को छोड़ने के लिए उद्यत हुए, तैयार हो चुके। अब किस तरह से सांप जैसे अपनी स्किन को छोड़ता है, काचली को छोड़ता है, ममत्व रहित, एक बार वह काचली छोड़कर सर्प वापिस उस काचली की तरफ ना ही जाता है और ना ही उसके मन में विचार आता है, बस उस तरह का वैराग्य और उस तरह का ममत्व भाव को छोड़ने के लिए मुर्गा पुत्र तैयार हो चुके हैं। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि रेनुयम व पड़े लग्गम, रेनु मतलब रेत, कपड़े पर लगी हुई धूल के समान,
धूल के समान राज रिद्धि धन दौलत मित्र पुत्र स्त्री जाति स्वजन संबंधी को छोड़कर वह मुर्गा पुत्र निकल गया अर्थात दीक्षित हो गया। किस तरह से छोड़ा इन्होंने, स्त्री को छोड़ा, धन को छोड़ा, माता पिता को छोड़ा, रिद्धि को छोड़ा, मित्र को छोड़ा, स्वजन परिजन संबंधी सभी को छोड़ा, लेकिन किस तरह से छोड़ा, ऊपर ऊपर नहीं छोड़ा, सिर्फ बाह्य रूप से नहीं छोड़ा, अंतर भाव से छोड़ा। इसके लिए उदाहरण शास्त्रकारों ने दिया, वस्त्र पर लगी हुई धूल धूल उसको वस्त्र को मात्र झटकने से वो धूल दूर हो जाती है इतनी आसानी से। बस कितना आसान है, वस्त्र को धोना नहीं है, ड्राई क्लीन नहीं करना है और कुछ भी प्रोसेस नहीं करना है, पानी लगाना ही नहीं है, मात्र वस्त्र को झटकना है। मतलब क्या हुआ, सिर्फ धूल लगी हुई थी, अभी अगर चिखल लगता मेल रहता तो निकलना कठिन रहता। मुर्गा पुत्र ने ऑलरेडी अपने कर्म उपशांत कर लिए थे, मोहनीय कर्म चारित्र मोहनीय का रस कम कर लिया था, इसलिए छोड़ना आसान रहा। अब छोड़ना कितना रहा, बस जिस तरह से धूल को दूर किया जाता है वस्त्र से, उस तरह से उन्होंने इन सभी पदार्थों को अपने मन से और जीवन से छोड़ने के लिए उद्यत हुए और आगे दीक्षित हुए। अब दीक्षा लेने के बाद रुके नहीं, क्योंकि दीक्षा लिए अभी तो कार्य शुरू हुआ है। दीक्षा सिर्फ 20 साल की 40 साल की लगभग नहीं होगी, यहाँ पर संयम पर्याय तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन अनेक वर्षों तक उन्होंने संयम पालन किया, ऐसी बात बताइए। साथ ही साथ उन्होंने अध्ययन भी किया है, तपस्या भी की है, आगे बता रहे हैं। अब जीवन कैसा रहेगा, संयम जीवन, नी मम्मो नीर अहंकारो, ममत्व नहीं। छोड़ते समय तो ममत्व, देखो जाति स्मरण हुआ, चिंतन हुआ, पिछले भाव देखे तो ममत्व कम हुआ, माता पिता के साथ चर्चा करते समय भी ममत्व कम था, वैराग्य था, दीक्षा लेते समय भी वैराग्य था, ममत्व नहीं था, बात तो आई। अब दीक्षा लेने के बाद पूरा जीवन भी नी मम्मो मतलब ममत्व नहीं, कोई भी पदार्थ में ममत्व नहीं, क्षेत्र से ममत्व नहीं, वस्तु से ममत्व नहीं, श्रावक आदि अन्य लोगों से ममत्व नहीं। आगे निरअहंकारो, इसमें चारों कषाय समझ सकते हैं, क्रोध मान माया लोभ, चारों कषायों को शांत कर दिया है, क्षयक्षम किया हुआ है। निसंगो मतलब संग छोड़ दिया है, मतलब बाह्य जो संग है, मतलब संसार का जो संग है वो छोड़ दिया है, मतलब आत्मा की बात छोड़कर अन्य कोई भी संग, अन्य कोई भी बातें नहीं करना है। जब ये नियम फॉलो होते हैं तभी श्रामण्य टीका रहता है, मतलब श्रमण जीवन टीका रहता है। अगर इन नियमों का उल्लंघन किया तो शिथिल आचार के तरफ वो जीव बढ़ने लगता है, और शिथिल आचारी मतलब दोष लगाना, और जो दोष लगाता है उसको कहते हैं प्रतिसेवी, और प्रतिसेवी जो है वो कभी भी सुख नहीं पाते हैं, वो संसार रूपी कांतार में परिभ्रमण करते हैं, ऐसा भगवती और अन्य आगमों में बताया हुआ है। आगे समोय सव भूवेशु, सभी प्राण भूत जीव सत्वों के ऊपर समभाव। आगे तसेसु थावरेसु मतलब सभी त्रस और स्थावर जीवों के ऊपर समभाव। समभाव मतलब एक तो मित्रता, और मित्रता मतलब क्या, फ्रेंड मान लिया सबको, ऐसा नहीं, मित्रता मतलब सभी जीवों को अपने आत्मा के समान समझना, वही हमारे शास्त्र में साधक जीवन में मित्रता कही गई है। मित्रता मतलब भाई ये फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज दी या फ्रेंड्स बना लिए, उसको मित्रता नहीं समझना है, मित्रता मतलब सभी को अपने आत्मा के समान समझना, बस वही मित्रता है, और शत्रुता नहीं रखना वो भी एक प्रकार की मित्रता है। आगे लाभा लाभे सुहे दुखे, पहले तो लाभा लाभे गोचरी आदि जो भी उनको जीवन में प्राप्त करना है, वस्त्र है, पात्र है, गोचरी आदि है, ज्ञान ध्यान भी है, उसका लाभ हो या अलाभ हो फिर भी वो समभाव में है। सुहे दुखे सुख हो या दुख हो समभाव में है, मतलब सुख और दुख को उन्होंने एक समझ लिया है, सोने को और मिट्टी को एक समान समझ लिया है, जीविए मरने तहा जीवन और मृत्यु को एक समझ लिया है, क्योंकि अब त्याग जीवन है, अब आज भी मृत्यु आ जावे क्योंकि त्याग किया हुआ है, साधु बने हुए है, अंतर मुहूर्त का भी संयम जीवन मुक्ति दिलाने के लिए काफी है, लेकिन वो समझ पूर्वक और अंतर भाव से होना चाहिए। अब जो व्यक्ति
नियमों को शुद्ध प्रकार से पालन करता है उसको मरने का भय नहीं रहता है, क्योंकि वो जानता है कि उसने अच्छा काम किया है और ऐसा काम किया है कि जो भी पूंजी उसने एकत्रित की है वो उसके साथ आने वाली है, तो वो मरने के लिए डरता नहीं है। समो निंदा प्रशंसासु, समभाव रखेगा किसके ऊपर, कोई निंदा करे तो भी और प्रशंसा करे तो भी। वैसे तो प्रशंसा जो है वो अनुकूल परिशय कहा हुआ है, मीठा मीठा परिशय, लेकिन उसमें भी समभाव रखेंगे। और निंदा अगर कोई कर देवे, जैसे अर्जुन माली, निंदा अगर कोई कर देवे उसमें भी समभाव रखना है, रखेंगे। तहा मानव मानवो, मान और अपमान में भी समभाव रखेंगे, इस तरह का उनका संयमी जीवन। कषाय को कम किया हुआ है, तीन गौरव जो है, इड्डी गार्वेनम, रस गार्वेनम, साया गार्वेनम, मतलब रिद्धि, साता और रस, इनको भी उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। आगे, इस लोक की आशंसा से रहित है और पर लोक की भी आशंसा से रहित है, मतलब उनको ये इच्छा नहीं है कि इस लोक में मुझे रिद्धि प्राप्त हो या चक्रवर्ती आकर मेरी वंदना करे, राजा आकर वंदना करे या सेठ आदि आकर मेरी पूछताछ करे, मुझे पूछे, और परलोक में भी ये आशा नहीं है कि मैं इंद्र बनूं, रिद्धिशाली देव बनूं या अन्य कोई रिद्धि प्राप्त करूं। तो इस लोक की आशंसा से रहित और परलोक की आशंसा से भी रहित है। फिर वासी चंदन कपोय, मतलब चंदन के समान, चंदन को अगर घिसे तो घिसने पर भी उस चंदन से सुगंध आती है, ये बोलना आसान है, लेकिन जब वे जीवन में घटनाएं होगी अर्थात परिचय और उपसर्ग आएंगे, मतलब छीला जाएगा हमें, तो हमको समभाव रखना है, मतलब छीलते हुए भी हमारे जीवन से, हमारे आचरण से सुगंध आनी चाहिए, जिस तरह से स्कंद ऋषि की खाल उदाड़ी निकाली, तो समभाव चंदन के समान, अर्जुन माली चंदन के समान, महावीर स्वामी चंदन के समान, गज सुकुमार चंदन के समान, जो जो परिचय उपसर्ग आया जिन्होंने सहन किए उनका ये यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है कि चंदन के समान रहना है। आगे बस इस तरह से उनके संयम लेने के बाद किस तरह से उनका जीवन रहेगा वो बात यहाँ पर बताई हुई है। इसका मतलब ये अगर गुण जीवन में नहीं होंगे तो संयम लेने के बावजूद भी जिस कारण से संयम लिया हुआ है, जिस लक्ष्य को ध्यान में रखकर संयम लिया हुआ है, उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हमने भी अनंति बार, बस और दो चार मिनट, हमने भी अनंति बार संयम का पालन किया हुआ है, वो भी निर अतिचार अपने, कोई भी दोष नहीं लगाया, ऐसा संयम जीवन भी हमने अनंति भवों में पाला हुआ है और पालकर हम नौ ग्रह व्यक्त तक गए, लेकिन अभी तक हमारा मोक्ष नहीं हुआ। और वही भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ आठ बार दीक्षा लेनी है, कोई भी जीव को पूरे भव भ्रमण में आठ भवों से ज्यादा शुद्ध दीक्षा आती ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा अभी तक मोक्ष की नहीं हुआ, हमने अनंत बार दीक्षा ली फिर भी मोक्ष नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अंतर भाव से हम संसार से ही जुड़े हुए थे, ममत्व थे, जैसे यहाँ पर कहा लाभा लाभे सुए दुखे, हमको लाभ अच्छा लगता था, अलाभ अच्छा नहीं लगता था, सुख अच्छा लगा, दुख अच्छा नहीं लगा। निमम्मो, हम ममत्व, हमको ममत्व था। निरहंकारो, हमको अहंकार था। तो मुर्गा पुत्र में जो गुण है थे उनसे विपरीत, मतलब अवगुण हम में थे जब हमने संयम लिया तभी भी, इसलिए हमारा मोक्ष नहीं हुआ। जिस दिन हम में भी ये गुण, श्रावक की बात करें तो इन गुणों में से आंशिक गुण, और संयम जीवन की बात करें तो ये सारे गुण हमारे जीवन में आएंगे, तो हमारा वो दिन दूर नहीं होगा कि हमको, हमारा भी मोक्ष होगा। आगे, बहुत वर्षों तक उन्होंने सामान्य जीवन का पालन किया और एक मास का संलेखना संतारा करके वे सर्वश्रेष्ठ गति, सर्वश्रेष्ठ गति कौन सी है? सिद्ध गति। देव गति सर्वश्रेष्ठ गति नहीं है, सिद्ध गति को उन्होंने प्राप्त किया। तो इस तरह से मृगा पुत्र जी राजकुमार होने के बावजूद भी उन्होंने राज्य नहीं चलाया, सिंहासन पर नहीं बैठे, ऐसे आसन पर बैठ गए कि जो उनको हमेशा के लिए सुखी बना देवे। अब वो कब गए मोक्ष में? तो ऋषभदेव भगवान के शासन में ही वो मोक्ष चले गए। ऋषभदेव भगवान के शासन को लगभग एक कोटा कोटी सागरोपम हो चुका है, इसका मतलब पिछले एक कोटा कोटी सागरोपम के समय में वे मृगा पुत्र की आत्मा सिद्ध क्षेत्र में अव्याबाद सुखों का
उपभोग कर रही है और आगे भी करती रहेगी। और वही हमारा एक पीछे का एक कोटा कोटी सागरोपम देखना, हम चारों गति में कहीं ना कहीं सुख, थोड़ा बहुत सुख और ज्यादा दुख में भ्रमण कर रहे थे। तो कंपैरिजन हमको करना है। और आखिरी गाथा है, यहाँ पर बता रहे हैं कि हे भव्य पुरुषों, धन को दुख बढ़ाने वाला, मूल गाथा है, धन को कैसा समझना है हमको, दुख बढ़ाने वाला, ममत्व रूप बंधन को बढ़ाने वाला, कौन, धन दुख को बढ़ाएगा, हमारे बंधन को बढ़ाएगा और महाभय को प्राप्त कराने वाला, हमको भयभीत कराएगा भविष्य में, ये धन को बताया। और संयम को कैसे समझना है, सुखों को देने वाला, अनुत्तर मतलब प्रधान और ज्ञान दर्शन गुणों को और मोक्ष को देने वाला धर्म को समझना है, मतलब हमारी समझ इस भव में हमको व्यवस्थित करनी है। भले हम धन कमा रहे हैं, धन है हमारे पास, लेकिन एक श्रद्धा पक्की रखनी है, दृढ़ रखना है कि धन जो है वो दुख का भाजन है और संयम जीवन जो है वो सुख ही देने वाला है, अव्याभात सुखों को प्राप्त कराने वाला है। इस तरह से हमारा ये मुर्गा पुत्र जी का 99 गाथाओं का वर्णन लगभग पूरा होता है। भगवान की वाणी के विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म, कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। किसी को प्रश्न है क्या? हाँ, एक क्वेश्चन है मुझे। आपने जैसे बोला कि 8 बारी दीक्षा लेते हैं, फिर आपने वापस बोला कि अनंत बार हमने दीक्षा ली, तो मतलब कंफ्यूजन है, लाइक क्या 8 बार ही दीक्षा लेते हैं या अनंत बार मनुष्य भव में? देखो, हाँ, शॉर्ट में बताता हूँ, आगम में बताया हुआ है कि कोई भी जीव, कोई भी आत्मा पूरे भव भ्रमण में सिर्फ उसके 8 भव ही, दीक्षा तो मनुष्य में होगी तो सिर्फ 8 मनुष्य के भव ही होंगे जिसमें वो शुद्ध दीक्षा का पालन कर पाएगा। अगर मान लो किसी का 8वां भव है ये दीक्षा का, तो वो उसी भव में मोक्ष जाएगा। इसका मतलब 8 बार ही वो दीक्षा ले सकता है। लेकिन उसी आगम में बताया है कि प्रत्येक जीव ने लगभग अनंती बार दीक्षा ग्रहण की है, अनंती बार, और अनंती बार 9 ग्रहविक में गए, तो वहां पर गड़बड़ क्या हुई? भगवान ने तो 8 बार बताया है और यहाँ पर हमने अनंती बार ली, फिर भी हमारा, हमको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। इसका मतलब जब हमने उस भी अनंती बार दीक्षा ग्रहण करी तो हमने बाहर से तो कोई दोष नहीं लगाया, कोई विराधना नहीं करी, विराधना हो भी गई तो भी प्रायश्चित ले लिया, लेकिन अंतर मन हमारा संसार से ही जुड़ा हुआ था। जो वैराग्य रूप दीक्षा होनी चाहिए थी वो दीक्षा अभी तक हमारी नहीं हुई है, मतलब अनंत तो होती नहीं, ज्यादा से ज्यादा 8 बार होगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो भी धर्म करनी करे, भले थोड़ी करे लेकिन समझ पूर्वक करे और वैराग्य भाव से करे, संवेग निर्वेग अनुकंपा आस्था, ये सम्यक तो के लक्षण है। तो शुद्ध मतलब हम लोग दीक्षा अनंत बार ले सकते हैं, लेकिन सम्यक के साथ 8 बार ही दीक्षा आती है ऐसे? सम्यक्त्व के साथ 8 बार ही दीक्षा आएगी, बाकी जो भी अनंती बार हमने दीक्षा पाली वो पहले गुणस्थान वाली ही द्रव्य से दीक्षा थी, वेशधारी साधु थे हम। विनीत का भी प्रश्न है। हाँ पूछिए। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। हाँ भैया, आपने ऐसे बताया ना, महाविदे में 4 या 5 कितने महाव्रत होते हैं? पहले और 24वें तीर्थंकर में 5 महाव्रत होते हैं और अन्य तीर्थंकर मतलब बीच के 22 तीर्थंकर और महाविदे क्षेत्र में 4 महाव्रत होते हैं, संख्या 4 होती है, लेकिन सभी महाव्रतों का पालन होता है। मतलब जो 4था और 5वां महाव्रत है, ये मैथुन और परिग्रह, उसको एक मानकर 4 किए हुए हैं, बाकी पालन तो 4 5 का ही होता है। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। ऐसा सुनने में आया है कि मनुष्य जन्म 7 या 8 बार है ऐसे 84 लाख जीव योनि में, क्या ये सही है? वो सब अलग अलग बार है, अलग अलग बातें है, अपेक्षा से है, अनेकों बार मनुष्य जन्म मिलता है, लेकिन मनुष्य भव पहली बात तो दुर्लभ है और दूसरी बात जो 7-8 बार बताया है वो लगातार की बात है, लगातार अगर मनुष्य मरकर मनुष्य बने तो 8 बार बन सकता है।
अच्छा ओके और कोई प्रश्न? मांगलिक सुना देंगे? मांगलिक फरमाओ सर, आप बोलिए। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा से, चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोकुतमा, अरिहंता लोकुतमा, सिद्धा लोकुतमा, साहू लोकुतमा, केवली पनत्तो धम्मो लोकुतमो, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये चार शरणा, दुर्गति हरना, सुगति करना, और न शरण कोई होय, भव्य प्राणी करे आराधना, अक्षय अमर पद होवे। Thank you so much, Adarsh bhai, for the wonderful swadhyay.